एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बिलारी स्थित डांडा दम्बू नगला गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान श्रीमती लज्जा देवी हैं। अगर बात शिक्षा की करें तो इस गाँव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 225 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में हैंडपंपों की भी व्यवस्था करी गई है। लगभग 13 हैंडपंप इस गाँव में लगवाए गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान 75 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में ग्रामीणों को दिए गए हैं। साथ ही सोलर लाइटें व बिजली के कनेक्शन भी पूरे गांव में कर दिए गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए बताया कि गांव में अभी भी कुछ चीजों की सरकार से दरकार है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से ग्राम प्रधान ने मांग की है कि वे जल्द से जल्द गांव को पैसा मुहैया कराएं, जिससे कि गांव में पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट व स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार किया जा सके, जिससे ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं से उबारा जा सके। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बाद ग्रामीणों को होने वाली छोटी से छोटी बीमारी के लिए गाँव से दूर न जाना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने भी कैमरे के सामने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बदहाल है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं, जिससे ग्राम की व्यवस्था सुदृढ़ व सुचारू रूप से चलाई जा सके। ग्राम प्रधान लज्जावती जगमोहन, सारा काम देख रहा हूँ। ये 7 सड़कें और 9 सड़कें करा दी हैं और एक आंगन दो आंगनबाड़ी जो है उसमें टाइल लगवा दी हैं और 25 लाइटें बिजली लाइट और 10 लाइटें सूर्य लाइट लगवा दी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ये पैसा नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पे सबसे कम पैसा आता है। 2 नल मैंने अपने पास से लगवाए पैसे से। पानी की ज़्यादा समस्या थी और सबसे बड़ी दिक्कत ये है पानी निकलने की। पानी निकलने की जगह तो है लेकिन रास्ता लंबा होने के बाद में पानी का आगे कोई निकास नहीं है। दूसरी तरफ एक तरफ तालाब है, एक तरफ तालाब नहीं है और डिमांड डलवा रखी है, कब्र उसकी शमशान घाट की डलवा रखी है पंचायत घर की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये पैसा कम आता है। 4 महीने में 5 महीने में किस्त आती है, थोड़ा थोड़ा पैसा आता है और इतना पैसा आता है 3-4 महीने में कि एक ही काम हो पाता है। बस साल में 2-3 काम हो पाते हैं। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। पैसे नहीं आ रहा है, दिक्कत बहुत है। 2-3 सड़कें पड़ गई हैं गाँव में, खरंजा और सब ऐसे ही पड़े हैं, पूरे नाले वाले सब। पानी रुका हुआ पड़ा है, काम कहाँ से हो। कहते हैं कि प्रधान जी काम नहीं करा रहे, पैसा आ नहीं रहा। शौचालय भी नहीं बने, शौचालय 350 बने। हाँ जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं डांडे का रहने वाला हूँ और प्रधान जी के पास में पैसा आ रहा है मगर ये रास्ता भी ठीक नहीं हो रहा है। मगर पैसा गया कहाँ, प्रधान जी के पास में पैसा नहीं आ रहा तो प्रधान जी कहाँ से मरवा देंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि ये रास्ता जल्दी जल्दी ठीक हो, हमारा हमें बहुत लंबी परेशानी है इस रास्ते से। और आपका ये है कि ये इस रास्ते से सभी परेशानियाँ हमें नहीं है और सभी को लोगों को परेशानियाँ हैं।